बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने की दिशा में इस सुरंग ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई के घनसोली में 394 मीटर लंबी एक मध्यवर्ती सुरंग बनाई गई है। इस नई मध्यवर्ती सुरंग की वजह से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे से सटे शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग के निर्माण में तेजी लाने में मदद मिलेगी। ये एक मध्यवर्ती सुरंग इसलिए है कि इसके दोनों ओर 3.3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। मध्यवर्ती सुरंग की गहराई 26 मीटर है और इस सुरंग की वजह से इसके दोनों तरफ सुरंग बनाना आसान हो गया है। सुरंग के लिए खुदाई का काम 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था। महज 6 महीने में इस काम को पूरा भी कर लिया गया, लेकिन पहाड़ के नीचे इस सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था। विशेषज्ञों की देखरेख में 27,515 किलोग्राम विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। कुल 214 नियंत्रित विस्फोट किए गए, जिससे पहाड़ और आसपास नुकसान न हो। सुरक्षित उत्खनन के लिए उच्च स्तरीय उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बीकेसी से शिलफाटा तक कुल 21 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस सुरंग का करीब 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक में समुद्र के नीचे होगा। ये देश में कहीं भी बनने वाली अपनी तरह की पहली सुरंग है। 21 किलोमीटर लंबी ये सुरंग सिंगल ट्यूब सुरंग होगी, जिसमें ऊपर और नीचे दो ट्रैक होंगे। फिलहाल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल कर बीकेसी, विक्रोली और सावली में 16 किलोमीटर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। शेष 5 किलोमीटर का निर्माण NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया जाएगा। माना जा रहा है कि बुलेट ट्रेन 2026 तक उड़ान भरना शुरू कर देगी। इसी साल मार्च में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि बुलेट ट्रेन परियोजना 2026 तक तैयार हो जाएगी। शुरुआत में सूरत और बिलमोरा के बीच इसे चलाया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।